जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा बट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRT फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक JEE PYQ सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2021 में आया था। द क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग इन टू ए गॉसियन सर्फेस प्रोवाइड द नेगेटिव फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग इन टू ए गॉसियन सर्फेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो अगर इसमें माइनस क्यू चार्ज होगा तो ये नेगेटिव फ्लक्स देगा। तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड इन टू इप्सिलॉन नॉट। तो नेगेटिव फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम। एक्चुअली जो भी गॉसियन सरफेस है वो शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर ये सिलेंडर को कंसिडर करेंगे, ये फेस में निकालिए तो ये फेस में निकालिए, कोई भी फेस में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो। अगर कोई भी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इसमें अगर चार्ज एब्सेंट है या नेट चार्ज जीरो होता है, और इधर माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों हैं तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। कैसे, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू माइनस क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर नो नेट चार्ज रहेगा तो नेट फ्लक्स भी जीरो होगा। लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। तो अगर ये गॉसियन सरफेस है, मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस है एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, पैरेलल टू गॉसियन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा। अगर ये एरिया का निकालेंगे हम, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन इधर है एंड एरिया वेक्टर इधर अपवर्ड है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एस कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है तो ये जीरो देगा। और ये स्टेटमेंट में क्या बोला है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स नॉन जीरो फ्लक्स। तो ये तो जीरो फ्लक्स निकल रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए। सो स्टेटमेंट डी इज ओनली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।